आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एकेडमिक रिसर्च फाइंड इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू फॉल इनटू ग्रुप्स ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स। हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्यू इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स that has been proved by the academic research. First is perceptual effects, second attitudinal effects, third is rhetorical effects. Rhetorical effects also classified into two types, product endorsement and intertextuality. So first let's see the perceptual effects. Perceptual effects is the process of recognizing and interpreting sensory stimuli called as perception. Most of the research on perceptual effects of advertising have drawn on the information process approach tend to view memory and attention as individual cognitive process, learning to something of a debate about their relative importance. Perceptual effect में कहते हैं कि तमाम तर researchers ने इस effects advertising के effects को स्टडी किया है और यह खर्च किया है कि जितने भी इंफॉर्मेशन का तरीक़ेकार का जो नुक्ता नज़र है वो एक रुझान पैदा करता है, याददाश्त पैदा करता है, मेमोरी याद हो जाता है और अटेंशन गेन होती है इंडिविजुअल की एक कॉग्निटिव प्रोसेस में। एक जहन में अटेंशन जो है वो गेन की जाती है ऑटोमेटिकली, जिससे लर्निंग जो है वो सेल्फ लर्निंग वो अहमियत रखती है, वो डेवलप होती है। तो परसेप्शन जो है असल में ये एक प्रोसेस है जिसमें चीजों को पहचाना जाता है, अचानक पहचाना जाता है। हमारा सेंसरी नर्व्स जो है सेंस ऑफ विजन, हेयरिंग, टचिंग, टेस्टिंग जो है, लेकिन खासतौर पर टेलीविजन के लिए सेंस ऑफ हेयरिंग और व्यूइंग जो है वो दो सेंस जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, लफ्जों की पहचान और उसके सीन पर जो पिक्चर्स चल रही होती हैं उसको फौरन से वन क्लिक में पहचान लेते हैं। दीज फाइंडिंग्स सीम्स टू सपोर्ट द बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग मैसेजेस कैन बी इंजेक्टेड इनटू द मेमोरी थ्रू एक्सपोजिंग ऑडियंस टू ब्रीफ स्नैचेस ऑफ पर्सुएसिव टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स और सिनेमा मूवीज। रिसर्च फाइंडिंग्स ये कहती है कि एडवर्टाइजमेंट के जो मैसेजेस हैं वो इंजेक्ट करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगता है बॉडी पर, इसी तरह एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस जो है जो इंजेक्ट करते हैं हमारी मेमोरी को, हमारी याददाश्त में इंजेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस की और उनको परसुएट करते हैं अपने टेक्स्ट के जरिए। जो भी उसमें लफ्ज की अदायगी की जाती है, लफ्ज लिखे हुए होते हैं, लोगोज होते हैं, स्लोगन्स होते हैं और टेलीविजन के प्रोग्राम्स के मिडिल में चलते हैं, जैसे प्राइम टाइम प्रोग्राम्स होकर या सिनेमा मूवीज के मिडिल में प्ले किए जाते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में मेमोराइज हो जाते हैं हमें और हमें क्लिक करते हैं। टेलीविजन सिनेमा एडवर्टाइजमेंट हैव बीन ह्यूजली सक्सेसफुल बिकॉज द एड्स अ कैप्टिव ऑडियंस पर्टिकुलरली इन द सिनेमा। द इंक्रीज सोफिस्टिकेशन ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ओवर द इयर्स रिफ्लेक्ट द नीड टू कम्प्लीट विद प्रोग्रामिंग फॉर इंटरटेनमेंट वैल्यूज। एडवर्टाइजमेंट भी एक इंटरटेनमेंट का हिस्सा है, टेलीविजन प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है जो रिफ्लेक्ट करता है लोगों की जरूरत को भी और इंटरटेनमेंट को भी, एंड एडवर्टाइजमेंट से लोग इंटरटेन भी होते हैं। नेवर्थलेस रिसर्च इन दिस एरिया सजेस्ट दैट प्रोग्राम जेनर हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ कमर्शियल्स। बहुत सारी रिसर्च कहती है कि जो प्रोग्राम्स के जेनर से डिफरेंट इसके जो सेगमेंट्स हैं प्रोग्राम्स के, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसके कॉग्निटिव प्रोसेस स्ट्रॉन्गली अफेक्ट्स है कॉग्निशन में, ह्यूमन कॉग्निशन में। द लेटेस्ट अफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैव फाउंड इन द इंटरनेट। इंटरनेट में खासतौर पर इसके अफेक्ट्स देखे गए हैं। From a cognitive perspective, internet advertising is never liked to be as effective as TV and cinema advertising because of user control over the medium.
अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो अफेक्ट देखा गया है वो टीवी और सिनेमा में है, क्योंकि इंटरनेट का जो एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा जो है वो यूजर के कंट्रोल में होता है। उसको एक वन क्लिक पर हम ऑफ कर देते हैं उसकी ब्लिंकिंग को एडवर्टाइजमेंट की, या हम जो है टेलीविजन का भी एक हिस्सा जो है वो कंट्रोल में होता है। लेकिन बार दफा जब हमें इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा होता है तो हम उस प्रोग्राम को जो है हम स्विच करके दूसरा प्रोग्राम भी देख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम इतना इंटरेस्टेड होता है हम उसको स्विच नहीं करते, हम इंतजार करते हैं, ऐड हमें देखना पड़ता है, ठीक है, हम मजबूर हो जाते हैं। तो वो हमारे कंट्रोल में तो बल्कि हम उसके कंट्रोल में, तो सिनेमा में बात दफा जो है मिड ब्रेक होता है तो उसमें हम उसके कंट्रोल में हो जाते हैं उस कंडीशंस में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अफेक्ट है वो है एटीट्यूडिनल अफेक्ट्स। विद द स्टडिंग ऑफ परसेप्चुअल अफेक्ट्स ऑफ एक्ट्स देयर हैज बीन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन देयर इमोशनल अपील्स एंड द यूज ऑफ म्यूजिक एंड ह्यूमर एज अफेक्टिव डिवाइसेस। अफेक्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी है एटीट्यूडिनल अफेक्ट्स के लिए? म्यूजिक है, ह्यूमर मैसेजेस हैं जिसमें हंसना आता है, या सैडनेस है, या हैप्पी मोमेंट्स हैं, या ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं फेस पर फौरन जाहिर हो जाते हैं जब कोई इंटरेस्टिंग जो सेन इंटरेस्टिंग सीन जैसे ही टीवी पर आता है या सिनेमा में आता है, हम जो भी स्क्रीन देख रहे होते हैं तो वैसे ही एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। इस हवाले से कंट्री 1989 में कहते हैं, अटेंशन इज द की फैक्टर फॉर टेलीविजन एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट इज इन द स्पॉन्सर्स बेस्ट इंटरेस्ट दैट व्यूअर्स आर ग्लूड टू द स्क्रीन सो दैट दे विल नॉट मिस द एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस। बहुत इंटरेस्टिंग कोई एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें म्यूजिक अच्छा होता है, उसका जिंगल अच्छा होता है, या उस एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसी खास बात होती है, तो हम जो है उसको बार बार देखना पसंद करते हैं, और उसको उसके जो स्लोगन स्लोगन होता है वो हम उसको रिपीट करते हैं। एक और इसका अफेक्ट है एडवर्टाइजिंग का, वो है रिटोरिकल अफेक्ट यानी कि अंदाजे बयां के असरात। The third approach of research on the effects of advertisement is to ignore the consumers altogether and focus on the way advertising is created, particularly the use of rhetoric. अंदाज़े बयां एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा होता है कि लोग जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, जो कंज्यूमर है वो उससे अट्रैक्ट होता है और फोकस करता है एडवर्टाइजमेंट के बनाने पर। मीडिया एडवर्टाइजिंग has been something of a conundrum. On the one hand, the public are invited to trust their doctors and the findings of medical science. अब किस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है बनाई जाती है कि वो जो ऑडियंस है या कंज्यूमर है, यूजर है, वो उस पर एक ट्रस्ट करना शुरू करता है, क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक पॉइंट जो है वो शेयर किया जाता है, मेडिकल पॉइंट उसमें शेयर किया जाता है। जैसे कि जो बहुत सी एडवर्टाइजिंग है जिसमें हैंड वॉश की टिप्स बताई जाती है, एंटीबैक्टीरियल डिटर्जेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो बताया जाता है, और वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग क्लोथ्स, बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें जो है मेडिकली उसको प्रूफ करके आवाम को बताया जाता है कि ये के लिए बहुत अफेक्टिव है, बहुत बेनिफिशियल है। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल इतना अच्छा बताया जाता है, डॉक्टर उसको जो है वो आर्ग्यूमेंट करते हैं और उस पे एक इंटरनेशनल स्टैम्प भी शो करते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, प्रूव्ड है। अच्छा, इसमें जो है दो क्लासिफिकेशन होती है, पहला जो है प्रोडक्ट इंडोर्समेंट, दूसरा है इंटरटेक्सुअल। प्रोडक्ट इंडोर्समेंट आपके लिए ये टर्म ही नया है। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग रिटोरिक कैन ओनली बी टेकन सो फार बिफोर कंज्यूमर साइनिसिज्म सेट्स इन। फेमस सेलिब्रिटी शो द यूज ऑफ प्रोडक्ट टू प्रमोट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंडोर्समेंट ही उसको कहते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज मौजूद हो, सेलिब्रिटीज खुद हो, खुद कुछ डायलॉग बोल रहे हो। द यूज ऑफ सेलिब्रिटी टू प्रमोट एडवर्टाइजिंग गुड इज नोन एज प्रोडक्ट इंडोर्समेंट। ठीक, द सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी कैन कैरी द मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द
ओरिजिनल टेक्स्ट। सेलिब्रिटी उसमें खुद कुछ अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, कैची वर्ड्स बोल रहे हैं और उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं। उसका यूज जो है बाकायदा चैलेंज करते हैं, आई एम यूजिंग, कैन यू डू, डू यू डू, विल यू डू, इस तरह के जो चैलेंजिंग लव्स होते हैं तो वो कैची करते हैं और वो इफेक्टिव जो है हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए, ऑडियंस के लिए होती है। नेक्स्ट है इसकी इंटरटेक्सचुअलिटी एंड ब्रेन अवेयरनेस, इन द वे इन विच वन मीडिया प्रोडक्ट इज इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर मीडियम सच एज आर्टिस्ट स्टाइल इन एडवर्टाइजिंग। दिस विल बी रेफरेंस इन द न्यू प्रोडक्ट ईदर थ्रू सिमिलर और मिस्ड इन सीन। कुछ एडवर्टीजमेंट होती हैं जिस जो कॉपीज होती हैं, जिसमें कॉपी होती है किसी डायलॉग की, किसी मूवी डायलॉग की, या फिल्म एक्टर की एक्टिंग जो है वो कॉपी करते हैं। जैसे पीके की एक प्रोडक्ट थी, उसको एक एडवर्टीजमेंट में कॉपी किया गया था, तो हमने जब उसको देखा तो फौरन क्लिक किया कि हाँ ये तो एक्टिंग लग रही है, कॉपी लग रही है, कि पीके मूवी की सीन की कॉपी है इसमें। इसी तरह कुछ डायलॉग्स होते हैं जैसे शाहरुख खान के कुछ डायलॉग्स की कॉपी की जाती है, या फिर उसका एक स्पेशल अंदाज है उसको कॉपी किया जाता है। तो देखें यहाँ पर एग्जांपल जो है, ये एक आपके सामने एक एड है जो लिप्टन का है, लेकिन इसमें जो पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो कि होस्ट है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी और पॉलिटिकल टॉक शोज ये करती हैं, और जो ये लिखा है तब्दीली आ गई है, ठीक है, ये लिखा है तब्दीली आ गई है, तो ये पॉलिटिकल स्लोगन है जो कि पॉलिटिकल कैंपेन में बड़ा पॉपुलर हुआ था, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली आएगी। तो अब ये स्लोगन इन्होंने ये वहां से कॉपी किया है, तब्दीली आ गई है, तो वो चीज हमें क्लिक करती है और इस प्रोडक्ट को जो है एक सिमिलरिटी शो करती है। ये जो टेक्स्ट है ये सिमिलरिटी शो करता है, और ये पर्सनालिटी जो है सना बुच्चा, ये न्यूज एंकर है, पॉपुलर न्यूज एंकर है, और ये टॉक शोज, पॉलिटिकल टॉक शोज करती है, तो ये एक इंडोर्समेंट भी है, प्रोडक्ट इंडोर्समेंट भी है, और इसमें जो है इंटरटेक्सुअल भी शो हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी रिटोरिकल अफेक्ट्स की एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है इसमें, आगे देखते हैं। ये एक मूवी का सीन है जिसमें कुछ चोरी करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोको कोला का एक बहुत बड़ा जो है बॉक्स है, रेफ्रिजरेटर है, जिस पर लिखा है, ये भी इंटरटेक्सुअल और ब्रांड अवेयरनेस को शो करता है। ये इंटरटेक्सुअल अफेक्ट्स है जो हमें पहले क्लिक करता है कि हाँ ये एड तो हमारे मुल्क में भी मौजूद है, हमने पिया है कोको कोला, जैसे बाज दफा पेप्सी का आता है, बाज दफा किसी और ब्रांड का आता है, तो वो हमें रिकॉग्नाइज्ड होता है ना, हमें वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट होता है, तो ये कहलाता है इंटरटेक्सुअल, इंटरटेक्सुअल अफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट्स इट।